हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन टेक न्यूज़। दोस्तों, आज है हमारे पास आईटेल A48 जिसमें कुछ हैंगिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका फ्री फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस तरीके से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो चलिए वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली बता ही देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या क्या स्टेप में जो कि फॉलो करने होंगे, इसको सबसे पहले आपकी जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है। देन यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आपका स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप देखने को मिलेगा जेस्टर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है स्वाइप फिंगर फॉर नोटिफिकेशन। अगर ये आपका इनेबल है तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो नोटिफिकेशन है ऐपों की, इस पर आ जाना है। और यहाँ आने के बाद आपको चेक करना है जो आपकी नोटिफिकेशन है यहाँ पे, ये इस पर चेक करेंगे तो आपको जैसे कि देखेंगे यहाँ पे आपकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे शो करा रहा है, इनको यहाँ से डिसेबल करना है इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन का अबाउट में, ठीक है, अबाउट फ़ोन पे जाना है। और यहाँ आने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ मिलेगा बिल्ट नंबर, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको लगभग 4 से 5 बार, ठीक है। इस तरीके से जब आप टाइप करेंगे तो ये आपको एक पैटर्न लॉक पूछेगा, ठीक है, तो आपको पैटर्न लॉक उस पर सेलेक्ट कर देना है। अब आपका एक डिप्लोमर मोड होता है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डिप्लोमर मोड में जाना है, तो आपको उसमें जाने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, सिस्टम में। देन यहाँ पे मोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको डिप्लोमर ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको अभी शो कराने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे विंडो एनिमेशन स्केल, ठीक है। आपको ये 3 एनिमेशन यहाँ पे शो होते हैं, आपको तीनों एनिमेशन यहाँ इस तरीके से ऑफ कर देना है। उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल डाउन करना है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आने के बाद देखेंगे आप, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है। आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन कम्प्लीटली ठीक चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका फ़ोन ठीक नहीं चल रहा है, उसके बाद भी हैंग कर रहा है, हैंगिंग प्रॉब्लम इस सेट में आ रही है आपकी, तो फिर क्या करना है आपको, आपको फ़ोन रीसेट ऑप्शन देखेंगे, आपको ये दिखेगा तो आपको रीसेट ऑल डेटा पर क्लिक करके अपना फ़ोन रीसेट कर लेना है। गाइस, इसको रीसेट करने से पहले सोच लीजिए 4 बार कि आपके फ़ोन में अगर कोई फ़ोटो वीडियोस या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हुए तो वो सारे डिलीट होने वाले हैं, तो पहले वो चेक कर लीजिए। अगर हैं कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तो उनको सेव कर लीजिए पहले, उसके बाद ही इसको रीसेट मारना है, वरना आपको रीसेट नहीं मारना है। एंड अगर आपके सेफ हैं तो सारे यहाँ पर रीसेट मार सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।